ये तो यार 200 करोड़ की न्यूज तुम डाल रहे हो चैनल वाली मतलब तो लाली पाप समझता हूँ गौ और गजगटी जी ये 200 करोड़ का लाली पाप है 1700 सौ करोड़ अम्बेडकर कर लखनऊ जाओ चलो क्यों गलत है सरकार आज... तो बोल रही है कि दीक्षा भूमि के सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग ये काम चालू किए सर आज तक कोई धार्मिक स्तर पर पार्किंग नहीं है अच्छा। आप बता सकते की कोई धार्मिक स्तर पर पार्किंग है अगर अंडर पार्किंग होती है और हमारे दीक्षा भूमि पे जब लोग आते हैं तो ये अंडरगा सिर्फ पाँच सौ लोगो के लिए है पाँच सौ छह सौ लोगो के लिए हमारे लोग यहाँ पे लाखों से आते हैं है, तो, है। तो फिर कोई मरेगा नहीं क्या अच्छा। साथ में ये कि हम अंडरग्राउंड पार्किंग, तो पार्किंग की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है जब लाखों अनुयायी यहाँ पे आते हैं लाखों गाड़िया यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते डेली के लिए भी देखा जाए तो यहाँ पे पार्किंग की जरूरत ही नहीं है इसलिए हम इस पार्किंग का निषेध करने यहाँ पे आ रहे लेकिन ये दीक्षा भूमि में जान बुझ के दो मजली पार्किंग कर रहे हैं ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे और उसके बाद ये पार्किंग कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं लाखों लोग आते हैं वो कहा बैठेंगे यहाँ पे दुकान की व्यवस्था रहती है यहाँ से करोड़ों रुपए की बिक्री होती है तो वो दुकानदार कहाँ बैठेंगे और इतनों सी जगह है इनके नजर में खुब गए क्या उसके आगे जो मेट्रो का पार्किंग बना है मेट्रो स्टेशन बना है किसकी परमिशन ले के बनाए पहली बात तो इसको हमको हमारा विरोधी है कि ये जैसे ओरिजिनल दीक्षा भूमि है वैसी चाहिए पहले ही इतनी सुंदर दीक्षा भूमि थी पर इन्होंने क्या किया है कि पार्किंग के नाम से पूरा खराब कर दिया है हमारे लोग आएंगे तो बैठेंगे कहा जगह कहाँ रहेगी हम यहाँ रोज आते हैं कि ये, ये पार्किंग हमको नहीं चाहिए जैसी ओरिजिनल दीक्षा भूमि है हमारी हमको वैसा चाहिए है साथियों आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है मेरे पीछे देख पा रहे दीक्षा भूमि है और दीक्षा भूमि के अगर आप इस साइड देखेंगे मतलब राइट हैंड पर अगर आप देखोगे Uh, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा इधर का भी इनको फुटेज दिखाया जाए तो इधर पार्किंग uh, का, का काम चल रहा है और ये पार्किंग का, का काम uh, क्यों चल रहा है इसके पीछे की पार्श्वभूमि क्या है और उसके पीछे की क्या मंशा है ये तो हम आपको बता चुके हैं और बता बता ही रहे हैं लेकिन सबसे पहली बात यह है कि ये दीक्षा भूमि के साइड में इतनी जो जगह ऑक्यूपाई की गई है ये पूरी तरीके से आप मिट्टी का ढेर देखोगे तो मिट्टी कम से कम यहाँ से दस से बारह फुट हाइट मिट्टी तक गई है और जो गड्ढे खोदे गए हैं वो 50 से 60 फीट गहरे गड्ढे हैं और वो गड्ढा एक नहीं है वो पूरे परिसर में मतलब यहाँ से कम से कम आधी जो जगह है वो आधे जगह में पूरे गड्ढे खो चुके हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरीज यहाँ पर ला करके खड़े कर दिए सवाल ये है कि जो दीक्षा भूमि दुनिया में नंबर एक का जो तीर्थ क्षेत्र माना जाता है जहाँ पर पूरी दुनिया से अनुयायी आते हैं बाबा साहब और तथागत भगवान बुद्ध को मानने वाले जो पूरे अनुयायी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग की ज़रूरत क्या है दूसरा सवाल यह उठता है कि ऐसा अभी तक के हमने कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं देखा जो जिसके नीचे जिसके ज़मीन के नीचे सतह के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग हो और उसके लिए आज पिछले सप्ताह भर से मतलब पिछले तीन चार दिनों से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है और उसके वजह से पूरी नागपुर की जो जनता है और नागपुर की जितने भी बाबा साहब और तमाम अम्बेडक्राइ अम्बेडक्राइट जो समुदाय के लोग हैं वो इस बात से बहुत नाराज़ है कि इस दीक्षा भूमि में ये किस तरीके का खोदकाम चल रहा है कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो अंडरग्राउंड जो पार्किंग हो रही है वो पार्किंग कहीं ना कहीं मेट्रो की जो गाड़ियाँ हैं मेट्रो से प्रवास करने वाले लोगों के लिए गाड़ियाँ रखी जाएगी और जो लोग बोल रहे हैं कि एन वाला जो एरिया है उस एरिया के लिए वो पार्किंग बनाई जा रही है लेकिन जो भी हो लेकिन लोगों ने यहाँ पर अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि उनको किसी भी तरीके का बांध काम उसको किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन इस जगह पर नहीं चाहिए और इसीलिए पिछले तीन चार दिनों से जनता परेशान है और वह आंदोलन यहाँ पर चल रही है पिछले रविवार को यहाँ पर समिति के द्वारा एक मीटिंग भी बुलाई गई थी जिसके वजह से उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि एक तारीख के बाद में जो भी है इस बांधकाम को लेकर के जो भी निर्णय होगा वो एक तारीख के बाद ही लिया जाएगा तब तक के यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो समिति में अध्यक्ष है सदस्य है सचिव है ये सभी लोगों को आगाह करेंगे जितनी भी कमेटी के और सदस्य जो लोग हैं वो एक तारीख को यहाँ पर समाज के लोगों के साथ में मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि समाज के लोगों के साथ में वो बैठक करेंगे उसके बाद में वो बताएंगे कि क्या निर्णय होने वाला है लेकिन जनता का यह आग्रह था कि तब तक यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है ये बंद होना चाहिए और वो इसीलिए बंद होना चाहिए क्योंकि भारत के किसी भी नंबर एक का जो भी अंतरराष्ट्रीय Uh, स्थान है जहाँ पर लाखों अनुयायी हर साल आते हैं वहाँ पर इस तरीके का जो पार्किंग की व्यवस्था हो या फिर अन्य कोई खोदकाम हो जिसको 60 से 70 फीट तक खोदा गया हो ऐसा कोई स्ट्रक्चर अभी तक के देश में देखा नहीं गया और दीक्षा भूमि के पास में ही ऐसा कंस्ट्रक्शन क्यों सबसे बड़ा सवाल ये है दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर लाखों जनता आती है और जब ये जगह खाली रहती है तो पुस्तकों की लाखों दुकानें यहाँ पर लगती हजारों दुकानें स्टॉल्स लगते हैं और लाखों और करोड़ों रुपयों की पुस्तक के दीक्षा भूमि से लोग यहाँ पर खरीदते हैं ज्ञान का भंडार दीक्षा भूमि में लगता है और इसी वजह से जनता परेशान है वो जनता जिस हालत में यहाँ पर आती है वो किसी से कुछ नहीं मांगती ना यहाँ व्यवस्था बाथरूम की व्यवस्था है ना यहाँ पानी के पीने के पानी की व्यवस्था है तो उस स्थिति में भी जनता कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज करती लेकिन इस बार आप देखोगे कि आने वाले समय में अक्टूबर महीने में शायद प्रोग्राम आने वाला है और होगा चौदह अक्टूबर का प्रोग्राम तो अभी देख पाओगे कि पूरी जगह तो इस मिट्टी से भरी हुई है कंस्ट्रक्शन से कम से कम यहाँ पर मशीनें खड़ी है और इतना जो परिसर ये तो आप देख पा रहे यहाँ पर कुछ पाँच छः हजार ही लोग रहेंगे तो ऐसी स्थिति में लाखों लोग जब आएंगे उनकी रहने की एटलीस्ट उनको खड़ा रहने की या फिर बैठने की भी व्यवस्था नहीं है और इसीलिए यहाँ के जनता ने इस पूरे प्रशासन प्रशासन को दीक्षा भूमि प्रशासन को जो कमेटी है उसका सवाल पूछा है सवालों के कटघरे में खड़ा किया है लेकिन एक तारीख तक क्या होता है वो तो देखेंगे लेकिन दीक्षा भूमि परिसर में यहाँ पर बहुत से लोग जो रोज दीक्षा भूमि को देखने को आते हैं वो लोग यहाँ पर है और उन लोगों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि नंबर एक कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है ये तो फिलहाल नागपुर की नागपुर के लोगों को पता चला है लेकिन जैसे ये वीडियो तीन चार दिनों से काफी वीडियोस बन रहे हैं सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर

कि क्या यहां पर जो ये कंस्ट्रक्शन बन रहा है ये अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है क्या इसकी जरूरत है और अगर जरूरत नहीं है तो सरकार या फिर जो भी प्रशासन है वो इस तरीके का बांधक यहां पर क्यों कर रहा है क्योंकि नागपुर के इस पूरे नागपुर में बहुत से ऐसे खाली ग्राउंड है जो सरकार के अंडर में आते हैं सरकार ने वहां पर पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं की नंबर एक दूसरा फिर ये दीक्षा भूमि के अगर आजू बाजू में पार्किंग करना था तो इधर सामने की जो जगह है जो आई जो कॉलेज है उसकी जगह है इधर पीछे हेल्थ सेक्टर की जगह है तो वह

बीड़ जिला अच्छा बीड जिले से आप लोग आए हैं तो दीक्षा भूमि को देखने आए तो ना हमारी अच्छा एग्जाम थी आपकी अच्छा तो मेरे को एक सामान्य चीज बताइए दीक्षा भूमि के नीचे ये जो अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है क्या ये सही है नहीं गलत है कैसे गलत है जो हमारे लोग आते हैं यहाँ पर वो अंडरग्राउंड पार्किंग करेंगे तो स्पेस बाकी का तो कहाँ पे ये जो पार्किंग है वहाँ पे कुछ तो डेवलपमेंट होना चाहिए ना नहीं तो डेवलपमेंट के लिए तो ये काम चालू कर रहा है सरकार होने वाला है क्या डेवलपमेंट होने वाला है तो पार्किंग बन रही है उसके ऊपर फिर वो हॉल बन फिर आ? उसका कुछ है क्या नहीं अच्छा तो इसके खिलाफ है आप नहीं बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए आ, क्या नाम है भैया आपका मेरा नाम लक्की सरदार है क्या लगता है ये जो यहाँ पर पार्किंग के लिए जो अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन चालू है साठ फीटों का गड्ढा यहाँ पर खोदा गया है क्या ये सही है नहीं सर ये बहुत गलत है क्यूँ गलत है सरकार तो बोल रही है की दीक्षा भूमि के सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग ये काम चालू किए हैं सर आज तक कोई धार्मिक स्तर पर अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है अच्छा। आप बता सकते हैं कि धार्मिक स्तर पर पार्किंग है अगर ये अंडरग्राउंड पार्किंग होती है और हमारे दीक्षा भूमि पर जब लोग आते हैं तो ये पार्किंग पांच सौ लोगो के लिए है पांच सौ या छह लोगों के लिए हमारे लोग यहाँ पे लाखों से आते हैं अगर ये लाख लोग अंडरग्राउंड पार्किंग में अगर पानी आता है अगर वो चले गए तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो फिर कोई मरेगा नहीं क्या अच्छा आज तक धार्मिक स्तर पर आज तक कोई किसी की डेथ नहीं हो चुकी है यहाँ पर दीक्षा भूमि में अच्छा तो ये मेरे तो अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बाकी हमारे कोई काम को विरोध नहीं है अच्छा मतलब सौंदर्यकरण को विरोध, विरोध नहीं है लेकिन ये अंडरग्राउंड जो बन रहा है पार्किंग नहीं होना चाहिए अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं होना चाहिए मतलब बाकी यहाँ पर जो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है बाथरूम की व्यवस्था नहीं है पानी की व्यवस्था नहीं है पीने की इसके ऊपर काम होना चाहिए इसके ऊपर काम काम होना होना चाहिए इसके ऊपर तो देखिए युवाओं की जो भावना है उन, उनने भी साफ कह कह दिया है कि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए भाई साहब हम जान जानते हैं क्या लगता है आपको ये जो जिस तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है समिति बोल रही है कि हमको नहीं पता हम हमारे सिग्नेचर नहीं है मैं, हम लोग नए आए हैं तो इस तरीके से जो काम उनके तरफ से जो बोला जा रहा है क्या ऐसा ही है हाँ उनका सही है हमने उनसे जवाब पूछे थे उन्होंने हमारे एक भी सवाल का जवाब जो है नहीं दिया पूरा क्लियर नहीं दिए अच्छा, यानी उनको ही नहीं पता है कि इसकी हाइट क्या रहेगी कितना गड्ढा खोद रहे आप आप खुद देख लीजिए अच्छा, कि उन्होंने इतना खोदे कि अगर अभी बरसात आई तो वहाँ पे पानी जमा होगा वो पानी लीकेज ये अपने स्तूप में होगा बिल्कुल यानी आज नहीं तो कल अपन ये मान सकते की हमारे स्तूप को धोखा है साथ में ये बोल रहे की हम अंडरग्राउंड पार्किंग करने जा रहे हैं तो अंडरग्राउंड पार्किंग की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है जब लाखों अनुयायी यहाँ पे आते हैं लाखों गाड़िया यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते और डेली के लिए भी देखा जाए तो यहाँ पे पार्किंग की जरूरत ही नहीं है इसीलिए हम इस पार्किंग का निषेध करने यहाँ पे आ रहे हैं अच्छा तो आप कितने कितने दिनों से आ रहे हैं आप अभी हमारा ये चौथा दिन है रोज हम आ रहे हैं सुबह दस बजे से पाँच बजे तक हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं है और करते रहेंगे तो, जब तक ये काम रुकेगा नहीं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि के जो मेंबर है जो कमेटी के सदस्य है उनसे आपकी बातचीत हुई है बातचीत तो नहीं हुई है उसी दिन सवाल जवाब हुए हाँ। तो उन्होंने सवालों के मतलब पूरे डिटेल्स में आंसर नहीं दिए हम चार दिनों से यहाँ पे कोई भी समिति वाले आए नहीं और जवाब दे रहे नहीं तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि समिति के लोग जवाबदेही स्वीकार नहीं रहे हैं और अगर सवाल हम लोग पूछते हैं तो कोई भी प्रॉपर उस तरीके का जवाब नहीं मिल रहा है जिसके वजह से कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाए जिसके वजह से ये जो पार्किंग जो हो रही है ये कहीं ना कहीं रुक जाए आ, 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 हमारे साथ में आ, जी आ, ये जो पार्किंग के लिए जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं या फिर जो काम चल रहा है ये किस तरीके से इसका विरोध आप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं आठ महीने हो गए यहाँ पे चौदह अक्टूबर होने के बाद ये काम चालू हुआ और सबको बताया कि यहाँ पे सौंदर्यीकरण हो रहा हमको भी लगा कि ये जो वॉल कंपाउंड है बहुत नहीं। नहीं। ये खराब हो गई तो उसका रिनोवेट कर रहे होंगे और उसके बाद हमको लगा कि सौंदर्यीकरण हो रहे भाई क्योंकि दीक्षा भूमि करोड़ों लोगों की एक नहीं। की नहीं है और यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए कुछ सुविधा हो रही हमको भी अच्छा लगा लेकिन आज हम देखते हैं तो कॉलम पूरे बाहर निकल रहे और यहाँ पे अगर पार्किंग पार्किंग क्यों कर रहे पार्किंग तो कोई कोई मंदिर देखो, मस्जिद देखो तुम कोई भी जगह देखो पार्किंग बहुत दूर रहती है क्योंकि उस मंदिर को उस पवित्र वास्तु को ये कुछ क्षति नहीं पहुंचना चाहिए प्रदूषण नहीं होना चाहिए लेकिन ये दीक्षा भूमि में ये जान बुझ के दो मजली पार्किंग कर रहे हैं ये दीक्षा भूमि रहेंगे कि नहीं रहेंगे और उसके बाद ये पार्किंग कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं लाखों लोग आते हैं वो कहाँ बैठेंगे यहाँ पे दुकान की व्यवस्था रहती है यहाँ से करोड़ों रुपए की बिक्री होती है तो दुकानदार कहाँ बैठेंगे और इतनों सी जगह है इनके नजर में खूब गए क्या उसके आगे जो मेट्रो का पार्किंग बनाए मेट्रो स्टेशन बनाए किसकी परमिशन लेके बनाए दीक्षा भूमि के आगे वो पार्किंग चाहिए था यहाँ पे क्यों बना है मेट्रो स्टेशन यानी तुम सांसद हो तुम चुन के आते तो कुछ भी करोगे क्या ऐसा नहीं है ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है दीक्षा भूमि सबसे बड़ी है और यहाँ पे जो ये गड्ढे खोदने का जो काम चालू है वो बंद करना चाहिए और वहाँ पे जैसा था हमारा वो वैसा कर दीजिए और प्लेन चाहिए क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का कोई मतलब ही नहीं है एक कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी तो ये पार्किंग हमको नहीं चाहिए यहाँ पे जैसा था वैसा सौंदर्यकरण करो ना हम काम नहीं कर रहे हैं लेकिन सौंदर्य के नाम से आप इतनी दो दो मजली ये कर रहे हैं हमारे लोग कहाँ बैठेंगे दुकान कहाँ लगाएंगे ये बहुत आस्था का विषय है ये जान के ये लोग ऐसे कर रहे है अभी यहाँ पे ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है बुद्धि समाज अभी जाग गया है कि यहाँ पे कुछ तो भी बहुत है ये मट्टी उठाओ हमारी जगह जैसी थी वैसी कर दो सौंदर्यीकरण करो इसके लिए मनाई नहीं ये पे रुकती हूँ मेरा नाम कंचन देवगढ़ है जयद जी मैडम जी जिस तरीके से मैडम ने कहा कि सौंदर्यीकरण का विरोध नहीं है लेकिन जिस तरीके से गड्ढे खोदे जा रहे हैं साठ साठ फुट तक अंदर अंदर तक के गड्ढे खोदे जा रहे हैं अभी बरसात में वहाँ पर पानी जमा होगा और वो पानी स्विमिंग पूल की तरह भर जाएगा जिसके वजह से जमीन ये जो दीक्षा भूमि के नीचे का जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुँच सकती है क्या लगता है ये षडयंत्र है या फिर ये जानबूझ के किया जा रहा है ये तो इनका षड्यंत्र है पैसे कमाने का जरिया लगता है इनका क्योंकि क्या है अभी पानी भर जाएगा लोग आएंगे कैसे जाएंगे कैसे इनको पता नहीं कि पानी कैसे निकाला जाए तो पहली बात तो इसको हमको हमारा विरोधी है कि ये जैसे ओरिजिनल दीक्षा भूमि है वैसी चाहिए पहले ही इतनी सुंदर दीक्षा भूमि थी पर इन्होंने क्या किया है कि पार्किंग के नाम से पूरा खराब कर दिया है हमारे लोग आएंगे तो बैठेंगे कहा जगह कहाँ रहेंगी हम यहाँ रोज आते हैं कि ये ये पार्किंग हमको नहीं चाहिए जैसी ओरिजिनल दीक्षा भूमि है हमारी हमको वैसा चाहिए है जो चीज नहीं मांगते वही चीज यहाँ पे लेके आते हैं अरे एजुकेशन का करो भिक्षु निवास करो कोई प्रशिक्षण इतने लाखों लोग आते बाहर से यहाँ पे कुछ अच्छा सा होटल नहीं है रहने के लिए कुछ जगह नहीं है वो काम नहीं करते यहाँ माता कचेरी की कितनी बड़ी जगह है वहाँ ब्रह्म कुमारी को जगह दी है ये मेट्रो पार्किंग को जो जगह दी है लेकिन दीक्षा भूमि के लिए कुछ भी नहीं दे रहा है ये लोग यहाँ से चुन के जाते हैं यहाँ आने के बाद यहाँ षड्यंत्र कर रहे हैं कि यहाँ लोग नहीं आना चाहिए लोगों को रोकने के लिए ये सब षड्यंत्र चालू है उनका काम है और ये दीक्षा भूमि के समिति के लोगों ने बताया कि हम कुछ ना कुछ करने वाले है लेकिन वो अगर कुछ नहीं करते तो जनता सब रस्ते पे आ जाएंगी वो बहुत बुरा होगा तो बड़ा आंदोलन हो सकता है बड़ा आंदोलन होने ही वाला है अभी होगा ही क्योंकि ये जो ये जो काम है हाँ समाज इतना एक तार स्मारक समितीचे लोक पण येणार आहेत तर त्यावेळीस आपल्याला पूर्ण कळणार आहे की काम कसं होत आहे कशा करीता होताय आणि आपल्या संपूर्ण आंबेडकर जनतेला आवाहन आहे की त्यांनी पण दीक्षाभूमी मध्ये मध्य व स्मारक समिति का तो एक तारीख तक के क्या ये काम रुका हुआ है नहीं नहीं उन्होंने ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया है कि काम बंद दो होगा बस अभी एक तारीख आने के लिए दस से ग्यारह दिन बचे है तो है। ऐसे स्थिति में तो काम की तीव्रता और मशीनरी देखते हुए तो हम लगा सकते हैं कि गड्ढा साठ फीट है कल वो बीस फीट और ज्यादा खुद जाएगा बराबर तो ये तो ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें हलगर्जीपना दिखा रहा है हाँ वो तो है और समिति वाले भी आ रहे नहीं है कि पूछ रहे नहीं है ना वो हमारा साथ दे रहे कि काम काम, बंद करने के लिए आश्वासन नहीं दिए है समिति अच्छा। वालों ने अच्छा। वो जवाब ही नहीं दे रहे कॉल्स कर रहे कॉल नहीं उठा रहे आप खुद भी कॉल कर सकते हो अटेंड नहीं कर रहे और वो काम भी बंद करने को राजी नहीं हो रहे अभी तो लोगो आएंगे ना काम बंद करना ही पड़ेगा उनको किसी भी तरह काम बंद करना पड़ेगा जब तक हमारा जवाब देते नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा और क्यूँ हो रहा किसके लिए हो रहा ये जब तक हमको देते नहीं तब तक हम तो काम करने नहीं देंगे नहीं तो रात दिन लगाएंगे कॉलम तो हो गए उसको सिर्फ भरना ही है लेकिन वो एक बात सोचो कि इतने लाखों लोगों कहा बैठेंगे और पार्किंग तो एक दो किलोमीटर दूर ही रहती है तो यहाँ पे क्या जगह है हाँ यानी षडयंत्र यानी बहुत बड़ा षडयंत्र है जी तो इन्होंने कहा है कि एक तारीख तक के काम रुकेगा या नहीं रुकेगा ये अलग सवाल है लेकिन काम फिलहाल चल रहा है जिसके वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए हैं हमारे साथ में एक नागरिक है जी जिस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है और अभी नागपुर के साथ साथ ये वीडियोस जो है यहाँ के जो वीडियो है ये अभी पूरा देश भर में घूम रहे है लोगों को पता चल रहा है लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं क्या जो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था अनावश्यक व्यवस्था है जिसका कोई उपयोग नहीं होगा देखो दीक्षा भूमि का मसला दो उन्नीस से चालू हो गया दीक्षा देने के बाद लोग हर साल यहाँ पे धम्मा चक्र और चौदह अक्टूबर इतना नहीं संविधान दिवस ऐसे दिन आते आते लोग आते। तो आप सोशल मीडिया देखो कि भारत में रोज कहीं ना कहीं अपने गलत धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म की तरफ लोग आ रहे अब ये साल में इंतजार रहता कि तो में है कि नागपुर हम कब जाए तो नागपुर में कब आते धम्मा चक्र को आते लोग तो आने वाले दिन में यहाँ जगह ही नहीं बची है तो हमने एक मैक बनाया क्योंकि ये तो हो गया पब्लिक आंदोलन लेकिन कायदे कानून से भी हम यहाँ पर जागरूक भीम सैनिक के नाते हमने पत्रवार किया दो से तो शासन ने मुझे लेटर भेजा कि दीक्षा भूमि सात बारह पर नहीं है तो ये चढ़ाई जाएगी ठीक है और ये माता कचेरी पूर्व दिशा की जगह इधर दुकान के लिए भी जगह ना साहित्य बेचने के लिए और ये पूरा पट्टा वरदा रोड तक खुलना चाहिए ऐसा लेटर मेरे को चार बार आ गया अब ये आंदोलन का हमारा उस दिन ये पहला टप्पा था हजार लोग आए अब ये सात आठ दिन बचे एक तारीख के लिए तो ये दूसरा टप्पा है जागरण का तीसरा टप्पा हमारा एक तारीख को जनशक्ति यहाँ पर उधर चैत्य भूमि में जो हिंदू मिल की जगह थी तो कोर्ट में डालो ऐसा करो कुछ लोग ज्ञान दे रहे थे आनंदराज आम्बेडकर जी ने नेतृत्व में पचास लाख लोग सीधे घुस गए गे अंदर गेट खुल गया पुलिस उधर भाग गई वहां पर तो जनता का जो रोष होता है वो एक प्रकार का भीमा करेगा आंदोलन होता है तो दीक्षा भूमि पर भी ऐसे नौबत नया नहीं देने चाहिए कि कोई गलत मैसेज यहाँ जाना चाहिए ये दीक्षा भूमि के बाजू में जो तुमने ये दीक्षा भूमि है ये यहाँ पर काम हो रहा ये इधर अन्नाभाव साठे चौक है और ये पूर्व दिशा की जगह है वर्धा रोड ये है तो लखनऊ में बहन मायावती ने आम्बेडकर पार्क भारत में क्या दुनिया में नहीं है बिल्कुल ऐसा अम्बेडकर पार्क तो वहाँ सेंट्रल जेल था साथी हो तो वो तोड़ के बहन मायाती ने सेंट्रल जेल लखनऊ के बाहर भगा दिया ऐसा बड़ा पार्क बना एक हजार सात सौ करोड़ की तो मूर्ति आज है ये तो यार दो सौ करोड़ की न्यूज तुम डाल रहे हो चैनल वाले मैं तो लाली पाप समझता हो गवई और गजगाटी जी ये दो सौ करोड़ का लाली पाप है सत्रह सौ करोड़ अम्बेडकर पार्क लखनऊ देखे जाओ चलो वो मुद्दा नहीं है जब बाबा साहब ने दीक्षा दी तो ये इधर बीपी के ये इधर ब्रह्म कुमारी प्रजापति यहाँ पर सेंटर बनाए दीक्षा भूमि के कोने पर यहाँ पर अन्नाभाव साठे ये लक्ष्मी नगर है ये भी खाली था दीक्षा भूमि के उत्तर जगह शासकीय जगह है ये शासकीय जगह है ये पश्चिम में क्वार्टर बने छोड़ो कालनी बने यहाँ पर लेकिन ये दो पट्टे दीक्षा भूमि कर राजा बोले दाड़ियाले दीक्षा भूमि कर जगह जुड़ सकती है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके बताओ दुनिया का बाबा साहब दीक्षा भूमि ये लोगों का कहना है कमेटी के दीक्षा भूमि के विरोध में कोई नहीं कोई है कोई बोल सकता नहीं इनके जो गलत कारनामे हैं इसके विरोध में जय भी वाली जनता और बौद्ध समाज के लोग हैं और ये लीगल है तो तो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पूरा यहाँ पर ये 20 20 से 15 फीट यहाँ पर मिट्टी पूरा उसका ढेर हो गया है उसके बाद में 60 से 70 फीट गड्ढे अभी हो चुके हैं लेकिन लेकिन काम अभी तक चल रहा है काम बंद होने के लिए कोई समिति ने कोई नहीं उसमें नहीं। अपना पुढ़ाकार नहीं लिया है कोई उसमें एक्शन नहीं लिया है तो ऐसे में ये दस दिन में तो काफी काम हो जाएगा पब्लिक आई थी तो दो दिन काम बंद हुआ था लेकिन एक इंजीनियर हमारे दोस्त बनते थे इंजीनियर ने बताया पाटिल साहब ये जो मशीन से वाइब्रेट हो गया तो नागपुर में पिछले महीने दो बार भूकंप आ चुका है देख लो न्यूज की तो ये बोधि वृक्षों को स्तूप को इन्होंने धक्का लगाया है धक्का लग चुका है जमीन वाइब्रेट होती ना ये भी लोग इंजीनियर लोग बता रहे की इन्होंने स्तूप को धक्का लगा है अंदर से और ये इतना बड़ा गड्ढा खोदा इतना पानी भर जायेंगे वो पानी सीधा इधर कचरा कूड़ा कचरा स्तूप में आ जाएगा तो और कच्चा हो जाएगा स्तूप ये आंखों के सामने फाउंडेशन को इन्होंने गिला किया ये जो मनुस्मृतिवादी शक्ति है ये दीक्षा भूमि के विरोध में ये कमिटी को समझ में नहीं आ रहा दीक्षा तो है तो दीक्षा भूमि बचाने का जो प्रण है यहाँ पर लोग ले रहे हैं, एक तारीख को क्या होता है वो तो देखेंगे आ, लेकिन बातचीत कर लेते हैं इनके सब समझ में आ गया मगर ये गिरानी का अच्छा और ये रुकना चाहिए नहीं, लेकिन सरकार तो बोल रहा है कि ये सौंदर्यीकरण का काम सौंदरण नहीं, नहीं।, नहीं।, तो नहीं है सब है इंदौर अच्छा सौंदर्य वगैरह कुछ नहीं है सौंदर्यकरण तो ऊपर होगा ना अंदर कैसे होगा नहीं नहीं अंदर अंदर कर रहे ये सब गिराने के चक्कर में ही है थोड़ा सा मुंबई में जल्दी ऐसी पार्किंग का काम बंद होना चाहिए तो छोटे छोटे बच्चे बच्चे भी बोल रहे हैं कि पार्किंग का काम बंद होना चाहिए इधर इधर है इदर ही रहेगी लेकिन जनता जो है वो समझदार हो चुकी है आज धीरे धीरे यहाँ पर संख्या लोगों की बढ़ रही है एक तारीख को यहाँ पर बड़ी जनशक्ति यहाँ पर उसका आंदोलन होगा और उस समय पता चलेगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये सरकार रोकती है या नहीं रोकती है साथियों देख सकते हैं ये वो कंस्ट्रक्शन की जगह है जहाँ पर दीक्षा भूमि के परिसर में काम चल रहा है आप देखोगे बड़ी बड़ी मशीनें लगी है नीचे जो पार्किंग का जो काम है वो शुरू हो चुका है कॉलम भी कम से कम पंद्रह से बीस फुट ऊपर आ चुके हैं जिसके वजह से अः दीक्षा भूमि के जो अंदर का जो उसका जो बेस है वो दीक्षा भूमि के बेस को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचेगा ऐसी लोगों की भावना है हम देख हम आपको ये दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से ये काम पिछले आठ से दस महीनों में हुआ है और लोगों को इसकी भनक भी भनक भी नहीं थी लेकिन जब आज आ, ये दीक्षा भूमि के बाजू के जो बैरिगेड्स है जो बड़े बड़े हाइट कवर कर रहे हैं जिसकी वजह से यह कंस्ट्रक्शन का काम दिखना नहीं चाहिए था आ, उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए वो बैरिगेड्स लगाए गए हैं और ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि ये बैरिगेड्स क्यों तो तो जब जनता यहां पर आती है लोग जब यहां पर आते हैं तो उनको पता चलता है कि इस तरीके का काम यहां पर हो रहा है पिछले आठ से दस महीने का काम यह है और अभी आने वाले दो चार महीनों में यहां पर फिर से बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ पर जनता जब आती है अक्टूबर महीने में तब यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉल लगते हैं अब यहाँ पर आप ये पूरा वीडियो शूटिंग के दरमियान आप देखिए हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो अब आप देखिए कि यहाँ पर कहाँ स्टॉल लगने लग सकते हैं यहाँ पर कैसे लोग रहेंगे यहाँ पर कहाँ दुकानें लगेगी और उसके बाजू में क्रिकेट का मैदान है जो कि वो वो भी अपने फ़िलहाल में दीक्षा भूमि प्रशासन के अंडर में नहीं आ रहा है और जिसके वजह से लोग जो है आज सवाल उठा रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन की जरूरत ना होते हुए भी यहाँ पर क्यों ये काम हानि नहीं पहुंचेगी आप अगर आएंगे आप अगर आएंगे मेरे पीछे तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ये दीक्षा भूमि की जो मिट्टी है ये मिट्टी दीक्षा भूमि के ये जो ये जो गेट है, जहां से दीक्षा भूमि के अंदर एंट्री करते हैं ये गेट के पास में ये गेट के पास तक के ये मिट्टी यहां पर आ चुकी है आप थोड़ा सामने आइए तो ये मिट्टी यहाँ पर आ चुकी है और ये देखिए सिर्फ 10 फुट की जगह कम से कम बची हुई है अगर ये बैरिगेटिंग्स नहीं रहते ये दीक्षा भूमि के जो रेलिंग है जो दीक्षा भूमि के साइज की जो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो जो रेलिंग अगर नहीं होती तो वो पूरी मिट्टी जो है पूरी मिट्टी दीक्षा भूमि का वो जो एरिया है जहाँ से लोग पैदल चल के आते हैं वहाँ पर चली गई होती आप ये देख पा रहे हैं ये खम्भे टूट गए हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा दूसरी दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो देखिए ये जो ऐसे पहाड़ जैसी मिट्टी यहाँ पर पहाड़ जैसा टीला जो है दीक्षा भूमि का ये खड़ा कर दिया गया है और यह मिट्टी यहाँ से बाहर यहाँ से बाहर डाल रहे हैं जो मिट्टी बाबा साहब के पद चिन्हों से स्पर्श हुई थी उस मिट्टी को यहाँ का प्रशासन बाहर फेंक रहा है और उसके ही खिलाफ में लोग आज बोल रहे हैं उन्होंने कहा है कि ये मिट्टी यही रहेगी इस कंस्ट्रक्शन को चालू चालू करने के बजाय इसको बुझाने के लिए मिट्टी वापस से काम आएगी और ये कहीं ना कहीं सरफेस क्लियर होना चाहिए इस तरीके से लोगों ने अपनी मांग रखी है एक तारीख को क्या होगा ये तो हम आपको एक तारीख को ही बताएंगे लेकिन ये जो मैसेज है ये जो संदेश है आज चार दिन से इस ये जो पूरा काम है इसके खिलाफ में प्रदर्शन चालू है नागपुर की पूरी जनता सतर्क हो चुकी है रोज यहाँ पर सैकड़ों अनुयायी आते हैं और इस काम को देखते वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि दीक्षा भूमि की काफी कम जगह बची हुई जहाँ पर दीक्षा भूमि है और वो जो थोड़ा सा जो वृक्ष का परिसर है बस इतना ही परिसर अभी आपको देखने को मिल रहा है बाकी ये जगह है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और यहाँ पर पूरी मिट्टी हमको देखने को मिल रही है अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे आप बने रहिए हमारे साथ में